मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। बात तो सऊदी में चांद रात हो ही गई है, 30 रोजे हो जाएंगे, 30 रमजान। कसीम में 7 मईयों ने घर में पावर शॉप बना रखा था, जो छापा लग गया है, 7ों को जेल में डाल दिया गया है। गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से कानूनी कार्रवाई होती है। और भाई दूसरी खबर यह है कि सऊदी में मस्जिदों में ईद की नमाज की तकबीर बोलने को मुअज्जम को इजाज़त दी गई है, बोला गया है फजर के टाइम से लेके ईद की नमाज तक तकबीर कहेगा और सभी अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। तकबीर सुन के मस्जिद की तरफ नहीं चलना कभी भी भाई, कभी मस्जिद की तरफ चल पड़ो और आपको जुर्माना भी भरना पड़ जाए। तो तकबीर होगी मस्जिदों में, जो मुअज्जम ईद की नमाज के टाइम तक तकबीर करता रहेगा और ईद की नमाज घरों में अदा होगी। तो आज 30 रमजान हो गए हैं, चांद रात हो जाएगी आज, कल की ईद तो है ही है भाई, संडे भी, और मंडे को इंडिया में ईद है। तो दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना दोस्तों। और एक बात है कि जो 5 दिन का लॉकडाउन है, इसमें सख्ती से थोड़ा पाबंदी बरतना। ये 5 दिन जो है 24 घंटे वाला जो कर्फ्यू है, इसमें अगर आप अपने गेट पे भी मिल जाते हैं तो आपको जुर्माना है, अपने गेट पे भी मिल जाएंगे तो। घरों के अंदर रहना है रिहायशों में, बाकी इस बात देखते हैं क्या होता है, क्या पाबंदियां रहती हैं, कहाँ छूट मिलती है, कहाँ क्या होता है। इंशाल्लाह धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, दुआ करो। ईद मुबारक।